प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। और जी क्या हाल चाल है आप लोग का, हम अंकित वापस से आपको न्यू ट्रेन जर्नी पे लेकर चलते हैं। और आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला है 18625 कोसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि कोसी से रांची के बीच में चलती है। तो आज आपका भाई का ट्रेन जर्नी होने वाला फतुहा जंक्शन से रांची जंक्शन के बीच में। तो पहला बार आया ना तो चैनल वाले सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिएगा। अगर ट्रेन जर्नी देखना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसा होता है जर्नी। इनकी अराइवल हो चुकी है फतुहा रेलवे स्टेशन पर। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन में, उतना तो नहीं कह सकते, जनरल बोगी है तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ भीड़ है और वो भी कुल लोकल पैसेंजर के लिए है, तो लोकल ट्रेन की तरह ही चलती है। लेकिन हाँ टाइम वहाँ जंक्शन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड होता है FUT। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 7 है, ट्रैक की बात करें तो 8 है। और यहाँ पर लगभग 100 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। और यहाँ से एक लाइन इस्लामपुर की ओर निकल जाती है, इस वजह से फतुहा एक जंक्शन पॉइंट बनती है। तो देख सकते हैं और इस रूट का काफ़ी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। और यहाँ तो बाय बाय फतुहा, फिर मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए बाय। भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो रही है पटना जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर ए, भैया के देख लीजिए थोड़ा सा, तो ऐसे ना उतरे। तो अब इस ट्रेन में भीड़ बढ़ने वाली है। भाई साहब फतुहा जंक्शन से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम पटना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है PNBE। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 10 है और यही स्टेशन है भाई, और यहीं पे है ना जो इल्लू इल्लू वाला वीडियो जो होता है ना, अंडरफ्रंट देवानंद वाला, वो चला दिया गया था। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर ही वो वीडियो को चलाया गया था। तो ऐसा गलत होता है, अगर वैसा कोई होता है ना कांड तो मत करिए। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई साहब इस ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, और बात करें पटना जंक्शन का तो यहाँ पर लगभग 270 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। और यहाँ से लगभग 50 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और बात करें पटना जंक्शन पर तो भाई पटना जंक्शन पर लगभग 1.5 लाख पैसेंजर डेली आकर आते हैं और जाते हैं। तो ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 है, और यहीं से वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो अगला इनॉग्रल रनिंग है जो यहीं से होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। और इस ट्रेन की बात करें तो पटना जंक्शन से तो कुछ अच्छा खासा क्राउड इसमें चढ़ गए हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं इस ट्रेन से, अगर सफ़र करना चाह रहे हैं तो इस ट्रेन में आप अच्छा से सीटिंग पैसेंजर के साथ, सीटिंग पैसेंजर है तो आप अच्छा से जनशताब्दी के बाद इससे ट्रेवल कर सकते हैं भाई, बहुत मस्त ट्रेन है। अगर हम पंचुअलिटी टाइम की बात करें तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर पंचुअलिटी में कुछ कमी रहती है तो हम आपको बताएंगे, अगर पंचुअलिटी सही रहती है तो ये ट्रेन बहुत मस्त है भाई। पटना जंक्शन, बाय बाय पटना जंक्शन, मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय। और अगर आप पटना जंक्शन पर ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा मोबाइल को बढ़िया से रखिएगा, नहीं तो भैया लफड़ा में पड़ जाइएगा, और थोड़ा चोरी बोरी भी होता है, तो बढ़िया से। तो भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो रही है जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे, और जहानाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बड़ा किया गया है, तो देख सकते हैं। भाई साहब फतुहा से 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम जहानाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड होता है JHD। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 3 है,
और जहानाबाद में लगभग लगभग 15 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है, और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और जहानाबाद की बात करें तो यहाँ पर इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन की हो चुकी है सिग्नल। तो मिलते हैं आपसे इसका अगला स्टॉपेज गया जंक्शन पे। भाई साहब, अपनी ट्रेन की अराइवल हो रही है गया जंक्शन पे, देख सकते हैं। सात नंबर पर है। तो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे गया जंक्शन ना भैया। और यहाँ से इस ट्रेन का रूट लोकोमोटिव को डाइवर्ट किया जाएगा, पीछे से लोकोमोटिव को आगे की ओर लगाया जाएगा ना भैया, सही बात है ना। अब गया जंक्शन देख सकते हैं, लगभग 114 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुँच चुके हैं हम गया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है GA2। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 7 है। ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर लगभग 135 ट्रेन आकर डेली हॉल्ट करती है, और यहाँ से लगभग डेली ऑरिजिनेट करती है और टर्मिनेट करती है। और बात करें इस ट्रेन की तो देख सकते हैं इसका लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा, पीछे से आगे किया जाएगा, और अब ये निकल जाएगी कोडरमा, पारसनाथ, मुरी जंक्शन होते हुए रांची जंक्शन। तो चलिए देखते हैं, और अब हम पीछे की ओर जाना चाह रहे हैं, तो चलिए चलते हैं पीछे, क्योंकि भाई साहब आगे में मज़ा नहीं आता, पीछे चलते हैं। इस रूट का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस जो कि जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर से, और देख सकते हैं अपनी ट्रेन की हो चुकी है यहाँ से डिपार्चर। तो अभी काफ़ी खाली है गया जंक्शन, और जो भी क्राउड है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रहती है, और तो हमारा तो ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे है, इस वजह से। तो बाय बाय गया जंक्शन, मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए बाय। तो देख सकते हैं अपनी ट्रेन घुस रही है टर्मिनल के अंदर यार, और ये टर्मिनल को बनाया गया था 1906 ईस्वी में। तो देख सकते हैं हम लोग अभी टर्मिनल के अंदर है। तो देख सकते हैं एक और टर्मिनल आ गई। जय श्री राम।
भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है कोडरमा जंक्शन। अब 190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम कोडरमा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है KQR। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 7 है, और कोडरमा एक जंक्शन पॉइंट इसलिए होती है क्योंकि यहां से एक लाइन हजारीबाग की तरफ चली जाती है और एक लाइन चली जाती है मधुपुर जंक्शन की ओर, और एक लाइन हो गई रांची गया मेन लाइन। तो इस वजह से कोडरमा एक जंक्शन पॉइंट होती है। और इस ट्रेन की बात करें तो अभी तक पंचुअलिटी के साथ चल रही है और जनशताब्दी ट्रेन की तरह ही चलती है, बस जनशताब्दी थोड़ा कम टाइम लेती है और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ट्रेन के डिपार्चर ठीक है, तो वहाँ पर देख सकते हैं अपनी देश की झंडा है, तो करते हैं जय हिंद। बाय बाय कोडरमा, मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर, तब तक के लिए बाय। पूरा ट्रेन ही खाली है। इस ट्रेन की बात करें तो क्राउड 0% है, देख सकते हैं पूरा ट्रेन खाली है भाई, तो दिखाना बनता नहीं है। और ये ट्रेन जबरदस्त ट्रेन है, देख सकते हैं पूरा ट्रेन ही खाली है। तो भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है हजारीबाग रोड में, देख सकते हैं। तो 213 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम पहुंच चुके हैं हजारीबाग रोड, जिसका स्टेशन कोड होता है HHJ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 है, ट्रैक की बात करें तो 8 है। भाई साहब हजारीबाग रोड है जो कि पड़ती है झारखंड में, और हजारीबाग रेलवे स्टेशन के बगल में एक बहुत अच्छा नेशनल पार्क है, उसे जाकर आप ज़रूर विजिट करें, बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि अगर आपको मौका मिलता ना तो वहां जाकर घूमिए, क्यों बहुत अच्छा बनाया गया है, इतना ज़बरदस्त पार्क है ना कि हम बता नहीं सकते। तो चलिए अब इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज पारसनाथ में है, लेकिन हम आपसे मिलते हैं स्टील सिटी ऑफ बोकारो, तो बोकारो में आपसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं भाई। और इस ट्रेन की पंचुअलिटी की बात करें तो ज़बरदस्त ट्रेन है, और 5 मिनट 10 मिनट तो लेट चल रही है, तो कोई उतना बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट लेट है, उससे ज़्यादा डिपार्चर हो रही है हजारीबाग रोड से। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है एक छोटा सा, और यहाँ पे हजारीबाग में सबसे ज़्यादा कुछ है भाई, तो मालगाड़ी का क्राउड रहता भाई। तो भाई साहब अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है बोकारो स्टील सिटी, देख सकते हैं।
अब लगभग 316 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम बोकारो स्टील सिटी, जिसका स्टेशन कोड होता है BKSC। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 6 है, ट्रैक की बात करें तो 12 है। और बोकारो है ना भाई, यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री, स्टील की फैक्ट्री, ना जाने कितनी तरह का इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है। और ज़्यादातर यहाँ का है जो टाटा जी स्टील सिटी और सिटी है ना, इसी के कारण ये बोकारो फेमस है भाई। तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है, और बोकारो में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पाया जाता है तो स्टील पाया जाता है। और ये काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, छोटा सा। और अपनी ट्रेन में कोई है नहीं, अगर आप इसमें अगर चाह रहे हैं, आपकी स्लीपर में टिकट कटा के तो आने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस ट्रेन में 145 रुपये का फेयर है, जो कि फतुहा जंक्शन से रांची जंक्शन के बीच में। और इस ट्रेन की बात करें तो आप उसमें स्लीपर का मज़ा लेते हुए आ सकते हैं, क्योंकि भाई कोई है नहीं इसमें, समझ गए ना। तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं भगजोगनी जल रहा है वो साइड से हरा वाला। तो चलिए अब यहाँ से हो रही है अपनी ट्रेन की डिपार्चर। और ये देखिए तो देख सकते हैं हो रही है यहाँ से अपनी ट्रेन की डिपार्चर। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जो कि बोकारो का है भाई साहब, देख रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन लगता है हमको बोकारो का भाई। साफ़ सुथरा और शांति का माहौल रहता है यहाँ पे हमेशा। और बोकारो हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस इस पे आने वाली है। काफ़ी छोटा एक रेलवे स्टेशन है झालदा रेलवे स्टेशन। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बंगाल में भाई साहब, देख सकते हैं झालदा रेलवे स्टेशन बंगाल। देखते हैं तो देख सकते हैं मूरी जंक्शन में अपनी ट्रेन की अराइवल हो चुकी है। अब 368 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं मूरी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है MURI। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 6 है, 4 है, और ट्रैक की बात करें तो 8 है। अमूरी जंक्शन, और यहाँ पर लगभग 75 ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। अमूरी जंक्शन जानते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है? तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी जो कि मूरी जंक्शन में है, तो बगल में ही है ना भैया। तो आप इधर आ रहे हैं ना, तो ज़रूर आकर इधर घूमिएगा भैया। इधर अंडा चौप, आलू चौप सब बेचते रहते हैं। अंडवा 2 को रहता है ना भैया? अंडवा आधा काट के रहता है कि 2 को रहता है? हाफ रहता है। तो ऐसा बोल हरिये, देखिए हरियर का भोगजुगुनिया जल रहा। तो इस रूट में आज बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा ठंडी भी लग रही है लग रहा। तो ऐसा करिएगा कि एक शर्ट जरूर लेके चलिए। तो जम्मू तभी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा, पेज पर बना हुआ है। जम्मू तभी गया टू वाराणसी तक के उसका वीडियो बना हुआ है, तो देख सकते हैं। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है मूरी जंक्शन।
तो भाई साहब अपनी ट्रेन की हो रही है रांची जंक्शन पे अराइवल। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और ये काफ़ी सुनसान सा लग रहा है। तो देख सकते हैं रांची जंक्शन पे हो चुकी है अराइवल। चार सौ छः किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं हम रांची जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड होता है RNC। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 5 है। ट्रैक की बात करें तो जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है वही ट्रैक है। और भाई साहब यहाँ से लगभग 205 ट्रेन डेली आकर हॉल्ट करती है, और यहाँ से लगभग 45 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट करती है, जो कि हटिया से है, लेकिन यहीं से मान के चले तो 45 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। तो चलिए मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार अपने भाई के साथ ट्रेन जर्नी करते रहिए। सी यू सून, टेक केयर, बाय, जय हिंद।